कल 15 तारीख को मौलाना तौकीर रजा ने 23 हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए, विवाह कराने के लिए अनुमति मांगी है, जो सरासर गलत है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा पर पठाना प्रेम नगर में अपराध संख्या 519/2010 में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसा अपराधी जो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, वो फिर से अपराध करने के लिए घूम रहा है। पवित्र सावन का महीना आ रहा है और इधर मुहर्रम चल रहे हैं, ऐसे में हिंदू मुस्लिम युवा युवतियों को भड़काना और ऐसा लगता है शहर में शांति फैलाने की तैयारी है, इसके लिए जिला प्रशासन को चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। ऐसा हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को सौंप दिया। लगभग 512 जोड़े हमारे पास अब तक आ चुके हैं, हल्के हल्के करके, एक एक दो दो करके, जिसमें काफी संख्या में 3 तलाक पीड़िता लड़कियां भी रही हैं और उनका उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर घर वापसी की है। हमने तो आज तक कोई विरोध किया नहीं है, कितनी लड़कियों के ऐसे मामले आए, लड़कों के मामले आए जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, हमने कोई इतराज नहीं किया, क्योंकि ये उनका जाति मामला है। और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है, उसे करना चाहिए, उसको वो छूट मिलनी चाहिए, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि पिछले 2 साल से मैंने पाबंदी लगाई हुई थी, इस वजह से हमारे जो मौलाना लोग जो निकाह पढ़ाते हैं उन लोगों ने कोई निकाह नहीं किया। और ये जो कौन सा जिहाद होता है, लव जिहाद का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था, हमने कतई उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन अब कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे मेरे पास 23 एप्लीकेशन है जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है। इसलिए काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है और 21 तारीख को परमिशन मांगा। साहब अगर नहीं होती तो क्या? नहीं, परमिशन ना होने की मुझे नहीं लगता है कोई वजह हो सकती है, क्योंकि जितने रोज़ाना खबर आती है कि फला हिंदू हो गया, फला हिंदू हो गया, और ना कोई एतराज़ करता है, हमारी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं किया जाता है और ज़िला प्रशासन भी उन पर कोई एतराज़ नहीं करता है। हम तो परमिशन मांग रहे हैं, शायद उन लोगों ने तो कभी परमिशन भी नहीं मांगी है। मैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का मामला चल रहा है। वही अगर नई परमिशन होती तब भी आपका प्रोग्राम तो है, फाइनली है। नहीं, प्रोग्राम तो हमारा है और परमिशन ना होने की वजह बताई जाएगी हमें कि किस वजह से परमिशन नहीं होगी।